गहलोत सरकार ने अलवर के बहुचर्चित नाबालिग प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला किया है। हालांकि इस फैसले से पहले विपक्ष की तरफ से पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। यहां तक कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सवाई माधोपुर में घेराव तक करने की कोशिश की गई। बढ़ते बवाल के बीच अलवर पुलिस वो नहीं कर पाई जो उसे करना चाहिए। ऐसे में सीएम गहलोत ने बिना देरी किए मामले की जांच की सिफारिश सीबीआई से करवाने का फैसला ले लिया। सीएम गहलोत सहित सरकार के मंत्रियों ने इस प्रकरण को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी तो रोज एक ही काम है उनके पास के सीबीआई, इसमें तो पूरे देश को भरोसा नहीं है। पूरा देश जानता है कि वो पॉलिटिकलाइज है और ये मानकर चलिए जो भी घटना हुई है उस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है वो सारी सच्चाई सामने आएगी। जिम्मेदार व्यक्ति अपराधी कभी बच नहीं सकता। उधर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने इस मामले में सरकार को घेरा। बीजेपी ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष के दबाव के चलते सरकार को सीबीआई में मामला भेजने का फैसला लेना पड़ा। सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम है, उसी का उदाहरण अलवर की घटना है और उसके लिए हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि राजस्थान की पुलिस और प्रशासन और सरकार ने जो यू टर्न लिया है वो चौंकाने वाला है। इसलिए राजस्थान की सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए कोई स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच करे। ये कोई पहला मामला नहीं है जिसकी जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई हो। इसी सरकार के कार्यकाल में बाड़मेर के कमलेश प्रजापति एनकाउंटर, राजगढ़ सीआई आत्महत्या प्रकरण और जोधपुर में लवली कंडारा एनकाउंटर प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की गई। इससे पहले भी पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में हुए डेल्टा प्रकरण सहित कई अन्य प्रकरणों की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की गई। बहरहाल सवाल ये अहम है कि क्या राजस्थान पुलिस का इकबाल खत्म हो गया जिसके चलते पुलिस वो रिजल्ट नहीं दे पा रही जो उसे तय समय में देना चाहिए, या फिर सरकारें किसी सियासी नुकसान से बचने के लिए इस तरह के मामलों की जांच सीबीआई से करने की सिफारिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, राजस्थान हो चाहे दूसरा प्रदेश हो, कोई भी घटना होती है तो उसमें जांच सीबीआई से कराई जाने की मांग अक्सर उठती है। राजस्थान में ऐसा ही वाकया अलवर में हाल ही में जिस तरह की दरिंदगी सामने आई है उस केस में प्रतिपक्ष ने मांग उठाई, सत्ता पक्ष ने उसे सीबीआई को सौंप दिया, अनुशंसा कर दी गई है गृह विभाग की ओर से, जल्दी सीबीआई अपना डिसीजन करेगी और उसके बाद में जो भी प्रक्रिया है वो होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहली बार ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि सीबीआई जांच की मांग उठी हो और सरकारों ने उसे रेफर कर दिया हो सीबीआई को, तो ऐसा क्यों? क्या हमारे सिस्टम पे भरोसा नहीं है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं कि हमारे वक्त भी हमने ऐसा किया था तो ये भी ऐसा हो सकता है? वर्षों से हमें सुनते आ रहे हैं कि अपोजिशन में हो तो ये बात उठती है कि सीबीआई से जांच करा देनी चाहिए। क्या सीबीआई से जांच में ही न्याय की संभावना है? तो अगर ऐसा है तो हमारे सिस्टम में जो खामी उसे दुरुस्त करेगा कौन? तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ में है, राखी राठौर जी भाजपा से हमारे साथ हैं, राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले जब किसी भी जांच को, किसी भी कोई मुद्दे की कोई जांच होती है, खासकर उन जांच को, जांच उसी मुद्दे की होती है या उसी मामले की होती है जिसको हाइप मिल रही हो या कहें कि कोई उसका राजनीतिकरण हो रहा हो या उसमें चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं, उसकी डिमांड की जाती है, तो ऐसे में क्या पुलिस के मनोबल पे कोई असर पड़ता है या फिर पुलिस भी मान के चलती है कि चलिए हमारी तरफ से अब जिससे जांच करानी हो कराओ, न्याय का एक ही माध्यम बचेगा कि सीबीआई से हो तभी न्याय मिल सकती है पीड़ित पक्ष को? योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि सीबीआई ही हर चीज की जांच करती हो और उससे रिलीफ मिलता हो या वही जांच करते हो तो इस प्रकार के इंसिडेंट या इस प्रकार के जो घटनाएं हैं वो खुलती हो, ऐसा नहीं है। इतने मुकदमे दर्ज होते हैं, इतने मर्डर, इतने केस दर्ज होते हैं, वो सब केस भी तो स्टेट पुलिस खोलती ही है,
लेकिन क्या होता है, जिसके अंदर राजनीति घुस जाती है बहुत ज्यादा, और जो शासन करने वाला जो तंत्र है वो कमजोर दिखने लग जाता है, तो जो कमजोर दिखने लग जाता है तो वो अपनी टोपी दूसरे के सिर पे रख देते हैं तुरंत। जो आलोचना करने वाले हैं, जो उनकी कमियां बताने वाले हैं, उनके मुख को बंद करने के लिए ये सीबीआई को जांच दे देते हैं। ऐसा देखने में आया है, आपने पहले भी देखा होगा कि ये सब लोग सीबीआई की आलोचना करते रहते हैं। आज अगर स्टेट सर्विस से, स्टेट गवर्नमेंट से किसी से भी पूछो तो सर सीबीआई जांच कराओ, उन्होंने कहा भाई क्यों सीबीआई जांच करेगी, ये है वो है। आप और हम देखते आते हैं कि सीबीआई के या सेंट्रल जो एजेंसीज है उनकी स्टेट गवर्नमेंट वाले आलोचना करते रहते हैं, अगर सरकार दूसरी हो तो। लेकिन ऐसे मौकों पे जब खुद के गले में कोई चीज अटक रही हो तो वो सीबीआई को टांग देते हैं। अब सीबीआई को टांगने का यही मतलब है, ये मैं देख रहा हूं 4-5 दिन से कि रायता फैल गया, और ये इतना बुरा फैला है कि जो स्टेट पुलिस थी जो वहां अलवर में काम कर रही थी उसी ने फैलाया है। जब उन्होंने देखा यहाँ स्टेट के जो राजनीतिज्ञों ने देखा कि ये मामला तो हमारे हाथ से ही बाहर चला जा रहा है, तो इन्होंने फिर सेंट्रल एजेंसी के कंधे पर रख दी। सेंट्रल एजेंसी बीजेपी की सरकार के अंडर में, तो यहाँ कम से कम यहाँ के लोग उस तरह की बातें करना बंद कर देंगे, भाई हमने तो, आपने क्या मांग करी, हमने तो झट से आदेश कर दिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सीबीआई के कर्मचारी और स्टेट के कर्मचारियों में, जो पुलिस के कर्मचारी उनमें कोई अंतर नहीं है, सब समान रूप से हैं। सिर्फ ये जरूर माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं पुलिस के, उनके ऊपर स्टेट के जो राजनीतिक लोग हैं उनका दबाव नहीं पड़ेगा इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो हम ये क्यों मान के चलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं पुलिस के वो राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, ऐसा हमको क्यों सोचना चाहिए? लेकिन चूंकि ये सामने नजर आता है कि जो स्टेट सर्विस की पुलिस होती है वो यहाँ के स्टेट के राजनीतिकों के दबाव में काम करती है, अब इनके कंधे में इतना बड़ा वजन आ गया जो इनसे तुक ही नहीं रहा, अलवर गवर्नमेंट से, अलवर के जो पुलिस वाले हैं उनसे तुक नहीं रहा, उसको बिगाड़ दिया, बोलना क्या था बोल क्या गए। नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है जोशी साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं पर्टिकुलर एक मुद्दे की बात नहीं है। यही कांग्रेस जब अपोजिशन में थी तो ये लोग भी सीबीआई की मांग उठाया करते थे, आज बीजेपी अपोजिशन में है तो ये लोग सीबीआई की मांग उठाते हैं। सिर्फ मैं ये अलवर के मामले की बात छोड़ दीजिए, मैं तो बात मुद्दे की कर रहा हूं, अलवर की छोड़िए आप, बहुत सारे मामले हैं। हाल ही ये इसी सरकार ने 4 मामले सीबीआई को रेफर किए हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने भी अपने कार्यकाल में कई मामले सीबीआई को रेफर किए। तो सवाल यह है कि क्या स्टेट पुलिस पर भरोसा उठ रहा है, या फिर ये राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास होता है कि हम भी प्रेशर में काम कराते थे पुलिस से तो सामने वाले भी प्रेशर में करा रहे होंगे। योगेंद्र जी, स्टेट की पुलिस पर मुझे इससे मतलब नहीं है, बात एक अलवर को भूल जाइए आप। मैं तो समझ गया, बिल्कुल आपको ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टियों के जब दबाव आ जाता है बहुत ज्यादा और वो दबाव का जवाब ये नहीं दे पाते हैं। आज राजस्थान की जो गवर्नमेंट है ये इस घटना के क्रम में जवाब प्रॉपर रूप से पब्लिक के सामने नहीं दे पा रही है, और जब ये इस तरह से कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जब वो पब्लिक के सामने जवाब सही तरीके से नहीं दे पाती है तो वो इस प्रकार की प्रक्रिया करते ही करते हैं। ये आवश्यक बिल्कुल ये करते हैं और ये आगे भी करते रहेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार। वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये पहली बार नहीं है कि सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जा रहा हो, क्योंकि अभी एक प्रोसेस है, ये यहां से अनुशंसा करेंगे, सीबीआई की अपनी इच्छा पे, कोई दबाव नहीं है सीबीआई पे कि ये यहां से रिकमेंड करेंगे तो उस जांच को शुरू कर दे या उसे कंसीडर कर ले, ये उनके ऊपर है, ऊपर पूरा एक प्रोसीजर होता है उसी के तहत ये सारा होगा। लेकिन सीबीआई को जांच, पहले कांग्रेस भी थी तो सीबीआई से जांच की डिमांड, कभी बीजेपी उठा रही है, दूसरे राज्यों की भी पोजीशन यही है, इससे स्थिति पे क्या असर पड़ता है, क्या मैसेज जाता है इससे कि आपकी खुद की अपना जो सिस्टम है वो नकारा है, या फिर प्रेशर में काम करता है, या फिर उससे उम्मीद नहीं की जा सकती न्याय की, क्या कहा जाए इसे? ये सारी चीजें घुल मिल गई योगेंद्र जी। सबसे पहली बात तो ये कि आज के 20-30 साल पहले हमारे केंद्रीय संस्थान हुआ करते थे, उनकी निष्पक्षता के बारे में कोई सवाल ही नहीं उठाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे केंद्रीय संस्थानों को भी तोते बोलना स्टार्ट कर दिया, आपको ये सब पता है, आपने पढ़ा है सारा सब कुछ, तो यानी कि इन इंस्टीट्यूशंस की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो समाप्त हुई है, और उसकी वजह से
लेकिन गलती से मैं कहता हूँ कि जो अलवर वाला मामला जिसपे कि परिजन और परिवार के लोग और प्रतिपक्ष ये मांग कर रहा था कि इसको सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए, यहाँ पे ठीक से काम नहीं हो रहा, तो वो ये समझ रहे हैं। देखिए अब इसमें ये अंदर की कथा बहुत अलग किस्म की है, लेकिन हमें यूं मानना चाहिए कि जो भी कुछ है वो मांगते होंगे कि वहां से ठीक से होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर जो कुछ राज्य सरकार कर रही है, मैं नहीं समझता कि इतनी पारदर्शी बात पहले इस अलवर वाले मामले में जितना स्पष्ट रूप से सारा दृश्य सामने आया है, उस लड़की को कैसे गई है, उसके साथ में उसकी कहाँ कहाँ इंजरीज हुई है, उन इंजरीज के बारे में एसपी क्या कह रही है, और उसके बाद में जेके लोन के लोग क्या कह रहे हैं, और उसे पता लगता है कि वो रेप हुआ भी है या नहीं हुआ, या कोई रंजित से सारा सिलसिला तो नहीं बना, कोई कॉन्सिक्वेंस मतलब किसी नतीजे पे पहुंचे। इससे पहले ही हमारे व्यवसाय के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरीके से उछाला है, जैसे निर्भया वाले केस की बात की है, तो उससे कोई मतलब नहीं है ये सब बातें करने का, लेकिन है। अब आप बताते हैं कि साहब सीबीआई पे ट्रस्ट नहीं, तो और पुलिस पे ट्रस्ट नहीं होता जो प्रांतीय पुलिस होती है, तो दिल्ली का केस देखिए जिसमें डेंटल सर्जन की डॉटर ने जो जिसका मर्डर हुआ कैसे हुआ उसको लेके क्या क्या कहा गया, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी जो पुलिस थी तो आंकलन निकाल लिया बाप को और माँ को ही सारा जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन सीबीआई की जब उन्होंने जांच की चीजें तोड़ नजर आई, ये सब बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ के देखिए रूल बुक पे चलने वाला अफसर जो अपनी फील्ड में जाने की या मलाई वाली जमीन वो जाने की बात नहीं करता, वो ठीक है तरीके से काम करता है। राजस्थान की डीसी देखें, एसपी देखें, जो अपने काम पे इतने अडिग रहे कि उनके बारे में कोई दुराई नहीं बनी, तो डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूशन की सदस्यता को कौन लग बनाए रखना चाहते हैं और कौन लोग हैं जो अपने उसमें घालमेल कर डालते हैं जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन बदनाम होता है। अलवर के मामले में चीजें बहुत अलग किस्म की हैं और उसमें बहुत सारा रोल, इस पे हम बहुत बहस कर चुके हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि किसी भी बात की और राजस्थान की नहीं है, हर कहीं पे भी आज बीजेपी भी उठा रही अपोजिशन में, कल कांग्रेस उठाया करती थी, मैं सिर्फ अपने लोकल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं किसी स्टेट के उसकी क्या, मेरा जो सवाल ये है कि क्या उसकी ईमानदारी, उनका जो तरीका है न्याय दिलाने का उस पे भरोसा नहीं रहा। देखिए भरोसा निश्चित रूप से प्रश्न उठने लगे हैं, इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और साथ साथ में जो स्वयंसेवी संगठन हैं वो लोग आगे बढ़कर के और चीजें सामने रखने की चेष्टा करते हैं जनता के सामने। अगर मीडिया ईमानदारी से काम कर रहा हो तो सब कुछ बड़ा साफ लग जाता है। मुझे लगा कि इसमें तो मीडिया ही पार्टी बन रहा है, हमारे जो प्रमुख अखबार हैं उनकी हेडलाइंस देखिए, उनके शब्द चयन देखिए, वो बड़ी अपने आप में ऐसा चित्कार दिखाती हैं कि आत्मा दहल जाए। तो ये सब बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं, मतलब ये सिर्फ क्वेश्चन की ये नहीं कि साहब हमारी हमारी जो पुलिस है वो नकारा है, हमारी पुलिस नकारा भी होगी, निकम्मे भी होगी, सारे गुण आ गए होंगे, लेकिन अवगुणों के साथ साथ में गुण भी मौजूद है उनमें, पर इसमें कोई नहीं। वापस आऊंगा आपके पास, राखी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। अलवर वाला केस है, आप लोगों ने मांग उठाई, इसमें अपोजिशन में है और ये दृश्य पहली बार नहीं देखे गए, डेल्टा में एक बार प्रकरण में इसी तरह से कांग्रेस ने भी डिमांड उठाई। सवाल मेरा ये है कि क्या हमारे सिस्टम से भरोसा उठ रहा है या फिर उम्मीद नहीं कर सकते कि हाँ सरकार की सरकार जैसा चाहती है, प्रशासन वैसे ही करता है, पुलिस जांच वैसी ही करती है। कुछ तो ऐसी वजह है कि हम कुछ ही केस में, हर केस की डिमांड नहीं होती, कुछ केस में हम सीबीआई की डिमांड कर बैठते हैं, ऐसा क्यों? देखिए विंदर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रतिपक्ष की तरफ से ये डिमांड की जाती है कि सीबीआई के अंदर इस जांच को रखा जाए। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपने देखा कि 12 तारीख की रात का घटना है, 13 तारीख को कुछ और स्टेटमेंट आता है एसपी का, उसके बाद 14 को कुछ और आता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि एसपी योगेंद्र जी भी जानते हैं, एक बहुत ही हायर पोजीशन पर होता है जो रोज चीजें देखता है, वो कोई स्टेटमेंट अगर दे रहा है तो उस पर कोई ना कोई वजन होता है। जब चीजें चेंज हो रही है, और मोटी बात ये देखिए, वो बच्ची जो है वो एक स्पेशल चाइल्ड है, उसको सुनने में और बोलने में समस्या है, तो ऐसा बच्चा जिसके साथ में कुछ इस तरह का काम हुआ है और उसके बाद में जो स्टेटमेंट है पुलिस का, प्रशासन का चेंज होता है, तो निश्चित तौर पे डाउट क्रिएट होता है। कई बार होता है कि इस प्रॉब्लम जो बच्ची की है, हो सकता है कि उसकी वजह से इस बात को, इसको डाइवर्ट कर दिया जाए। जैसे कल बच्ची की माँ का भी स्टेटमेंट आया कि मुझे लग रहा है बच्ची की आंखों को देख करके कि कोई ना कोई घटना उसके साथ हुई है। और जिस तरह की सैनी जी बात कर रहे थे, चित्कार तो है, अपनी आत्मा को झंझोड़ने वाला काम है, जिस तरह की हमने जब न्यूज पढ़ते हैं, और एक महिला होने के नाते अगर आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि कैसी मुश्किल से मतलब लगता है देख करके, पढ़ने में ही
हाथ पांव जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इस तरह के स्टेटमेंट जब जिम्मेदार लोगों के आते हैं तो निश्चित तौर पे ये लगता है कि एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है और उसी के लिए यहाँ किया गया। लेकिन योगेंद्र जी मैं एक बात और कहना चाहूंगी, योगेंद्र जी हमारे पास जोशी जी बैठे हैं, देखिए सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो है उसमें फर्क पड़ेगा। आज 7 दिन के बाद में आपने ये सीबीआई को दिया, जब 13 और 14 को ही पुलिस कंफ्यूज हो रही थी तो अच्छा होता उस समय सीबीआई को जांच दे दी जाती, क्योंकि ये एक घटना है और घटना के जो एविडेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एट द मोमेंट उस समय जो जो साक्ष्य सीबीआई द्वारा कलेक्ट किए जाते तो ज्यादा बेहतर होता, नो डाउट। यहाँ पे देखिए फेलियर तो है, क्योंकि आज देखिए 6 दिन तक अभी तक किसी का भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, अभी तक कोई संदिग्ध भी नहीं है, तो इस तरह का काम आज के डिजिटल जमाने में मुश्किल तो है ही कि यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो इस मामले को सुलझाने में नाकाम रही। जी चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास, मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल जी। सवाल यह है कि कल आप अपोजिशन में थे तो आप लोग मांग उठाते थे कि सीबीआई से ही जांच हो, और जो आज राखी जी तर्क दे रही हैं वही तर्क आप लोगों के हुआ करते थे, चेहरे बदले हैं केवल, बस अंदाज वही है। आज आप लोग डिफेंसिव उसमें हैं कि चलिए सीबीआई को जांच देनी है, बीजेपी राजनीति कर रही है। लेकिन बात यह नहीं है कि क्या एक ही रास्ता है न्याय का कि वो सीबीआई से जांच होगी तभी मिल पाएगी? योगेंद्र जी यकीनन बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से विपक्ष अपनी घिनौनी राजनीति कर रहा है, जिस तरीके से इस घिनौनी मतलब जिस तरीके से आपने देखे ना इसका शुरुआत नहीं देखी है। राजेंद्र जी इस्तेमाल करेंगे राखी जी, घटिया अरे राखी जी आप शब्दों की बात मत कीजिए, आप शांत रहिए, आपको सुनने का मादा होना चाहिए, आपको सुनने का मादा होना चाहिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, आपको सुनने का मादा होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे अपराधों के अंदर महिला होने के नाते आपको ये सुनना पड़ेगा, आप दोनों बात कर लीजिए हम खामोश रह जाते हैं। राखी जी आप सुनिए, आपको पूरा सुना है उन्होंने जो कुछ आपने कहा है, सुनिए। राजेंद्र जी मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि जो घिनौनी राजनीति कर रही है, घिनौनी राजनीति आपको यूं लग रही है कि सीबीआई जांच की डिमांड कर रही है, ये घिनौनी? मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर पुलिस के ऊपर किसी भी तरीके का राजनीतिक दबाव नहीं होता है, पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हमारे यहाँ पे भी सीआईडी सीबी है, एसओजी है, क्राइम ब्रांच है, उससे किसी से भी। और फिर ये कहा गया था कि जो बच्ची के पेरेंट्स है या उनके माता पिता है उनसे पूछा गया कि भाई आप जैसा चाहे वैसा हम करने के चाहते हैं और न्याय मिले इसकी कड़ी से कड़ी खुलनी चाहिए। ये लगातार पुलिस इस बात को कर रही है, सरकार ने पूरी तरीके से उनके साथ में। आप ये चीज देखें ना, भाजपा का जो चेहरा है ना, इनके अंदर नैतिकता तो है ही नहीं, ये जिस तरीके से राजनीति करते हैं, कोई किसी प्रदेश के अंदर कोई मेहमान आता है उसके रुकने के स्थान पर चले जाते हैं। राजस्थान की एक परंपरा थी तो देवो भाव की, राजस्थान पुलिस अपना काम कर रही है, गृह मंत्रालय अपना काम कर रही है, ये गंदी राजनीति कर रहे हैं लगातार। इनको ये देखना चाहिए कि ये जो हाथरस वाले मैटर या उन्नाव वाले मैटर से इसको कंपैरिजन करते हैं, जबकि हम यहाँ कहना चाहते हैं यहाँ पुलिस का आदमी सारे के सारे लोग उनको वो कर रहे हैं। उसके राजेंद्र जी मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा आपसे, मुझे एक चीज जरूर आप समझाइए कि डेल्टा मेघवाल प्रकरण जो था, आज इस बच्ची का मामला है या इससे पहले और भी जो आपके चौथा केस है जो सीबीआई को आप लोग भेज रहे हैं, ऐसा क्या था कि क्या परिस्थितियां बदल जाती है कि अपोजिशन में जब होते हैं तो आप लोगों का एक ऐसा ऐसी इच्छाएं जागृत होती हैं कि यहाँ की प्रशासन से यहाँ की पुलिस से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, सीबीआई से ही जांच होनी चाहिए, दूसरी को एजेंसी जांच करे, सीआईडी सीबी यहाँ पे, एसओजी यहाँ पे है, आपने सही कहा ये पहले भी थी, तो डिमांड क्यों फिर इसमें राजनीतिक रंग दिया जाता है? राहुल गांधी जी भी आए थे, उन्होंने भी डिमांड की थी। मेरा सिर्फ सवाल आप लोगों से सभी चारों अतिथियों से ये है कि अगर ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, आज तो चलिए इस केस का पता लग गया, मीडिया ट्रायल भी हो गया, हल्ला भी मच गया, प्रतिपक्ष भी धरने पे बैठ गया, सब कुछ हो गया, आप लोगों ने सीबीआई भेज दिया, कई आवाज ऐसी दफन हो जाती है कि जिनके बारे में किसी को अंदाजा होता है, अगर पुलिस पे किसी तरह का प्रेशर है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से उनकी नियुक्तियां प्रेशर में की जाती हैं, तो उस गंदगी को साफ करिए ना।
परिंदे तो तभी योगेंद्र जी यही बात मैं आपको बराबर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा और जो मीडिया ने जिस तरीके से ट्रायल की और 12 तारीख के बाद से लगातार मीडिया के स्टेटमेंट भी लगातार कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहे हैं, जिस तरीके से सरकार की छवि को बदनाम करने के लिए जिस तरीके का इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिजन जो चाहते हैं उसके अनुसार अगर उनको ये है कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए तो होनी चाहिए, उसके अलावा भी सीआईडी सीबीआई क्राइम ब्रांच सारी बातें थी, तो राजस्थान पुलिस की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। राजस्थान पुलिस की छवि खराब करने से कुछ नहीं होगा, राजस्थान पुलिस इंडिया की सबसे बेहतरीन पुलिस में से है, उसको बदनाम करने से कुछ हासिल नहीं होगा इनको। राजेंद्र जी मैं वापस आऊंगा, ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरा जो मुद्दा है, मैं जो समझ पा रहा हूं, मैं या तो आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूं, सिर्फ मेरा सवाल यह है कि क्या वास्तव में ये, तो चलिए सीबीआई को ट्रांसफर हुआ, सीबीआई आएगी जांच करेगी अपना जो भी कुछ करेगी, उनका अपना एक एजेंडा है किस तरह से करते हैं, उनके एक शैली भी एक अलग है कि लोकल पुलिस से डिफरेंट तरीके से करती हैं, लेकिन क्या वास्तव में अगर खामी है तो लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर प्रदेश का विधानसभा है, क्या इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? कभी किसी ने चर्चा की है कि हम लोग हर मामले की सीबीआई की जांच मांग कर बैठते हैं और हमारा क्या ऐसा है कि हम पुलिस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, हमने एसओजी का गठन कर दिया फिर भी हम लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है, भरोसा टूट रहा है राजनीतिक दलों का, जब आप लोगों का भरोसा टूट रहा है सिस्टम को समझते हो तो सामने वाले का भरोसा कैसे कायम रहेगा कि हाँ मुझे न्याय मिल पा रहा है? देखिए योगेंद्र जी, ये कुछ वर्षों की बात है, बाकायदा हमारे इंस्टीट्यूशंस पे हमारा पूरा विश्वास रहा करता था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस गड़बड़ाए हैं और गड़बड़ाए के अंदर जो साठगांठ चली है राजनेताओं की और साथ साथ में वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जो साठगांठ के माध्यम से हर आदमी बेहतरीन अपनी पोस्टिंग चाहता है, बेहतरीन का मतलब होता है दबदबा हो और साथ साथ में जेबें भरने का जरिया हो, ये करप्शन का जो सिलसिला है वो सामने आने लगा, तो जिन लोगों ने इंडिविजुअल्स के पास में ये दम होता है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए आपके ट्रांसफर की पॉलिसी भी बनाई हुई की बात की जाती है, आपके प्रमोशन के लिए एक सिस्टम बना हुआ है उसके माध्यम से आपका प्रमोशन होता है, रूल बुक के मुताबिक अगर काम होता है तो फिर उसके बाद में कोई चर्चा ना हो, लेकिन रूल बुक से हटकर के जब काम होने लगते हैं और जब आप एक खास किस्म की नौकरशाही को एक अपने इस्तेमाल में लेने की चेष्टा करते हैं तो डाउट होने लगता है, और एक लंबा प्रोसेस 20-30 साल से ये सब बातें देख रहे हैं और इन बातों से ही हमें शक होने लगा है, केंद्रीय इंस्टीट्यूशन पर भी इसीलिए शक होने लगा है क्योंकि हमने देखा कि सीनियरिटी को खत्म करके और जूनियर आदमी को आप चीफ बना देते हैं, ये भी देखा है ना हमने इसकी चर्चा की है, साथ साथ में मीडिया जो बहुत बहुत ईमानदारी के साथ में और बड़ी डेप्थ के साथ में स्टोरी करने का सिलसिला करता रहा है, वो भी रोचक बनाने के लिए या उसको क्या कहना चाहिए, उससे उत्तेजना पैदा करने वाले शब्दों के साथ में चीजें लिखता है, बड़े अखबार जिनके संपादक और जहां न्यूज एडिटर एक काम किया करता था, एडिटिंग का एक सिलसिला हुआ करता था, सब चीज से नष्ट हो रहा है, तो ये चर्चा का विषय और परेशानी का विषय यही है कि हम चीजों को ठीक से देखने के अब वो नहीं रहे और सीधा सीधा आरोप लगा देते हैं कि सीबीआई ऐसी है और स्टेट पुलिस ऐसी है, ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए है कि लोगों ने जिस तरीके से अपनी साठगांठ बिठाई हुई है वो साठगांठ टूटनी चाहिए, सब कुछ रूल बुक के मुताबिक अगर हो तो उसके बाद में कोई संकट नहीं आएगा। चलिए राखी जी आपके सॉरी मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा, मैं क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए राजनीतिक दलों की ओर से, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, स्टेट्स में असेंबली है, जिस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा क्या खामी रह गई है कि जो हम पुलिस से भरोसा, ये भरोसा टूटने वाली बात मैं कह रहा हूं, आप इसको भूल जाइए, अलवर केस को छोड़ दीजिए, मैं तो और केसेस की भी बात कर रहा हूं आपसे, क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए या फिर पॉलिटिकल प्रेशर में अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? योगेंद्र जी आज से 20-25 साल पहले कभी भी राजनीतिक दल अपनी अपनी पुलिस नींव गवाया करते थे, आजकल ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, 5 साल जिनकी सरकार होती है वो कहती है ये हमारी पुलिस, फिर उनकी सरकार आ जाती है ये हमारी पुलिस, और पुलिस वाले भी देखो कैसे हैं, जब उनकी सरकार आती तो उनकी गोद में, इनकी सरकार आती तो इनकी गोद में। अब हालात ये है कि भाई पुलिस किसकी है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सरकारें क्या, प्रत्येक राजनीतिक दल को अब ये सोच लेना चाहिए कि ये पुलिस वाले किसी के सगे नहीं है, न इनसे दोस्ती न इनसे दुश्मनी, ये बात अगर ये समझ लेंगे तो ये पुलिस वाले काम करेंगे। अब ये क्या करते हैं लप्पो चप्पो में, अगर मान लीजिए वहां की पुलिस नकारा है और वहां की पुलिस काम नहीं कर रही है, कहीं और की पुलिस काम नहीं कर रही है, तो सीधा सस्पेंड करें, उसकी जगह दूसरे को लगाएं। ये क्या करते हैं कि जब खुद लगवाते हैं और खुद लगवाने लग गए तो हटाने में जोर आता है,
कि यार अपन ने तो लगवाया, इससे अपन ने इतने काम करा लिए, अब इसको क्या करेंगे, तो हटाते नहीं है ये आसानी से, या किसी के राजनीतिक लोग हैं अपने पार्टी के, उनके दबाव में उसको लगा देते हैं, कई अपने एसपी ले जाते हैं, आज ऐसे ऐसे हैं साहब जो इंचार्ज एसपी की बात नहीं सुनते, एसपी है ना जो डीजी की बात नहीं सुनते, आज सिपाही सिपाही एसपी को तूतड़ा करके निकल जाता है, एएसआई डीवाईएसपी के गोली लगाता है, बंदूक ले जाता है वहां धौलपुर में, वहां मार दूंगा गोली डीवाईएसपी के। तो जहां स्थिति इस प्रकार की होती है, जब आप देखिए ना ये स्थिति क्यों पैदा हुई, पहले सिर्फ सिविल पुलिस थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आज से 40 साल पहले 50 साल पहले, लेकिन इन्होंने पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए सीआईडी क्राइम लगा दी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप खोल दिया, अब ये सारे के सारे बीमार हो गए वापस, ये वैसे के वैसे निकम्मे हो गए, अब किससे करे साहब जांच, अब ये सीबीआई से करा लो जांच, अब सीबीआई के पास क्या लाएंगे, एनआईए से जांच कराओ साहब। अब आप देखना योगेंद्र जी, थोड़े दिन बाद अमेरिका से संस्था आएगी जांच करने के लिए, ये मांग करेंगे कि हमारे इंडिया की पुलिस सक्षम नहीं है, अमेरिका या इंग्लैंड की, उसके टेंडर होंगे, ऐसा नहीं है, टेंडर हो गए ये इस प्रकार की जांचें होंगी, राजनीतिक दलों को अपना आचरण बदल देना चाहिए, पुलिस का मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, ये पुलिस के मोरल डाउन करने की कार्रवाई करते हैं ये। आज अगर मेरे हाथ में कोई इन्वेस्टिगेशन है और उस इन्वेस्टिगेशन को छीन के किसी दूसरे को दे दोगे तो मैं क्या समझूंगा कि मैं कितना निकम्मा हूं, मैं इसको ट्रेस आउट नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या हो गई, जब पुलिस राजनीतिक द्वेष से काम करती है तो वो ये सोचती है कि हम तो फ्री हो गए, अलवर की पुलिस वालों से पूछो, जब से आदेश हुए वो कह रहे हमारा तो पीछा छूटा, हम तो हमारे तो गले से फंद हट गया, इस प्रकार की नेचर पुलिस वालों की बन जाती है, इसको रोकना पड़ेगा, अन्यथा ये पुलिस किसी काम की नहीं रहेगी। चलिए मैं वापस आऊंगा, राखी जी, देखिए प्रदेश आप लोगों का है, देश हम सबका है, ये एक सिस्टम चल पड़ा है। खैर आप दोनों हमारे साथ में जो बैठे अतिथि, आप अपनी बात कह सकते हैं, बहुत उच्च स्तरीय बात है कि पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए कि सिस्टम में अगर कोई खोट है तो उसे दुरुस्त करेगा कौन। आप लोगों के लिए बहस के लिए चैनल्स तो हैं, उसके अलावा जो चुनके जनप्रतिनिधि जाते हैं असेंबली उनको है, उनको भत्ते मिलते हैं, उन्हें टाइम मिलता है, उनकी आवाज अगर वहां पे होती है तो बड़ी बुलंद होती है और उसका एक अपना एक इम्पैक्ट भी आता है। ये बड़ा ही विचारणीय विषय है, आज तो आप लोग डिमांड कर रहे हैं, कल ये लोग डिमांड करेंगे और सीबीआई में चला जाएगा। ये मुझे लगता है कि पुलिस का मोरल डाउन करने की एक परंपरा हमारे यहाँ बन पड़ी है, क्योंकि पुलिस 5 साल के लिए किसी एसपी की नियुक्ति नहीं हुई है, वो 60 साल में रिटायरमेंट होके अपने घर जाएगा। तो अगर ये अगर सिलसिला चल रहा है कि भरोसा टूट रहा है और भरोसे टूटने की वजह अगर कोई राजनीतिक दखल है तो मुझे लगता है कि ईश्वर मालिक है, फिर तो चुनी हुई सरकारें नहीं है। देखिए योगेंद्र जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, दो बातें बिल्कुल ठीक कही कि विधानसभा लोकसभा के अंदर ये डिस्कशंस होने चाहिए, अगर हमारे राज्य का कोई मैटर है तो विधानसभा के अंदर डिस्कशन होने चाहिए, और राजस्थान की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसके बारे में राजस्थान में कई बार आवाजें उठ चुकी है, विधानसभा में उठ चुकी है, लेकिन लगातार हम लोग जो है इन कामों में आपराधिक दृष्टि से लगातार जो राजस्थान का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये एक ये प्रॉब्लमेटिक चीज तो है। जहां तक पुलिस के मुराल की बात करी, देखिए अभी इस केस में भी आप देखें 6-7 दिन तक पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी। राखी जी ऐसा भूल जाइए, राखी जी मेरा सवाल ये नहीं है, राखी जी आप मान के चलिए कि पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई, लेकिन 5 साल के लिए पुलिस नहीं है। अगर सरकार आपकी है कि वसुंधरा राजे की पहले सरकार थी जो ये बात कह रहे हैं सर, एक SHO एसपी को आंख दिखा के चला गया, ये वो बात कह रहा हूं मैं जो पीएचक्यू से आदेश होते हैं, ये आपकी गवर्नमेंट के वक्त की बात बता रहा हूं, आपके गवर्नमेंट के वक्त की बात बता रहा हूं मैं, तो ये आप लोग इस पे गौर करेंगे या मीन मेक निकाल करके एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दलदल बन चुका है, उसे दुरुस्त कौन करेगा, आप लोग बहसों में उलझे रहेंगे। देखिए मैं योगेंद्र जी आपको एक बहुत स्पष्ट बात कहूं कि अगर अपराधों की बात करें तो कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे हमारे उसमें अपराध जो है वो बिल्कुल नहीं हुए हैं, ये रिलेटिव फैक्टर है जो कि पिछली सरकार और इस सरकार के रिलेशन में हम लोग लेते हैं। जब इस सरकार की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आपराधिक दृष्टि से लगातार सरकार जो है वो फेल होती जा रही है और लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी सरकार ये कहती है कि हमारे हमारे टाइम के अंदर जो है वो अपराध नहीं हुए थे, लेकिन रिलेटिव फैक्टर अगर देखेंगे तो अब राजस्थान का ग्राफ लगातार बढ़ा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आखिर जी सबसे बड़ी दिक्कत तो आप बाहर नहीं निकलेंगे, ना कांग्रेस निकलना चाहती ना बीजेपी निकलना चाहती है, आप जो है कर रही। मैं तो ये कह रहा हूँ क्या सिस्टम बदल दोगे, तो ये बताइए इस तरह से 2023 ठीक रहेगा, 2023 में आपकी सरकार आ जाती है सबको रिटायरमेंट दे देंगे आप लोग,
या सौ गहलोत जी ने तरीके से लगाएंगे जिसकी जहां जरूरत है, महिला अत्याचार के अंदर ऐसे कैलाश बोरा जैसे पुलिस अधिकारी नहीं लगाएंगे जो अस्मत मांग ले ढंग से होना चाहिए। क्या किया है सर मुख्यमंत्री जी ने, हर विधानसभा के अंदर एक नया मुख्यमंत्री खड़ा किया है क्योंकि सबको राजी रखना है। उन्होंने अपनी चॉइस के हिसाब से वहां पे पुलिस कर्मी लगा रखे उनकी कैपेबिलिटी पे नहीं, इसी पुलिस महकमे का ढंग से इस्तेमाल किया जाए, ढंग से उनको वहां पे डिप्यूट किया जाए और कड़कता से काम लिया जाए तो निश्चित तौर पे ये पूरी टीम काम करेगी। लेकिन वो क्या राठौर जी मेरिट्स खारिज हो गए, मेरिट्स खारिज हो गए, मैं आपको बताता हूँ और आप जाके पूछ लेना। पूर्व गृह मंत्री जी माननीय कटारिया साहब ये बात कह चुके हैं कि मेरिट से हमारी सरकार भी पोस्टिंग नहीं करती है, आपको बता रहा हूं मैं, पूछना गुलाब जी से ऐसा कहा कि आपने ये पोस्टिंग बन चुकी है। अभी बताइए ना कैलाश बोरा जी को तो इन्होंने लगवाया था ना। नहीं 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 मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ उच्च स्तर पे भी, उच्च स्तर की बात बता रहा हूँ आपको, जो पोस्टिंग अभी जोशी साहब जो कह रहे थे हमारे यहाँ पे मेरिट्स नहीं बची है अधिकारी। अगर कोई कमिश्नर जयपुर रहा या कोई जोधपुर रह चुका है, जिलों में पुलिस के कप्तान रह चुके हैं, उसने अपनी काबिलियत से अगर वहां पे कोई मैटर सॉर्ट आउट किए तो अगली सरकार में उम्मीद नहीं करेगा कि मुझे एसपी लगा लेंगे। एक नई परंपरा बन रही है, अच्छा क्रिम की पोस्ट थी अगली सरकार में आप उम्मीद मत करना, ऐसा क्यों? भरोसा रखना चाहिए, भरोसा तो राजनीतिक दलों का टूटा है मुझे लगता है, इसी वजह से जनता 5 साल में बाहर का रास्ता दिखा देती है, शायद यही बड़ी वजह है। राजेंद्र जी आपके पास सामने एक सवाल है, कंट्री को दुरुस्त कैसे किया जाएगा, इस कंट्री को दुरुस्त कैसे किया जाएगा अगर यही परंपरा चल पड़ी कि हमें तो जांच ही सीबीआई करके देगी, सीबीआई से ले लेना पता से भी वही न्याय करके दे देगी। योगेंद्र जी निश्चित रूप से अगर विपक्ष इस मामले में राजनीति नहीं करता तो निश्चित रूप से सिविल पुलिस की जांच बात मत करिए, आप अपनी भी बात करिए, आप अपनी मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, अगर इन्होंने सही ढंग से जो कि पूरा का पूरा मैटर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके ऊपर पूरी बात चल रही है, लड़की का इलाज चल रहा है, उसके साथ साथ सारी चीजें गजब की बात है। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, आप लोग उससे बाहर नहीं निकलेंगे, मेरा सिर्फ सवाल यह है कि क्या पुलिस का मोराल खत्म होता जा रहा है या राजनीतिक दलों का पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है? मैं सर यही बात करना चाह रहा हूँ, एक मामले को छोड़ दीजिए, एक सीबीआई जांच बना रहा है, इस वजह से पुलिस का मोराल खत्म हो रहा है। राजस्थान पुलिस बेहतरीन पुलिस है इंडिया की, लेकिन उसके ऊपर लगातार जिस तरीके से विपक्ष हमला कर रहा है, विपक्ष जिस तरीके से कर रहा है, पुलिस के ऊपर उनको विश्वास होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ये गंदी राजनीति करते लगातार। राजेंद्र जी मेरा सवाल और मेरा जो मुद्दा है वो यही था कि हम पुलिस को केवल सत्ता में आते हैं तभी समझ पाते हैं, भरोसा होना चाहिए ना, भरोसा होना चाहिए विपक्ष को। जोशी जी ने आप कहा ना कि मेरी पुलिस हो जाती है तब, मेरी पुलिस बाहर रहते हैं नहीं, तो पुलिस, पुलिस, नहीं, पुलिस राजस्थान सरकार की है, पुलिस राजस्थान सरकार की किसी पार्टी की पुलिस नहीं है, ये विपक्ष इस चीज को करता है तो ये वास्तव में गंदी राजनीति करते हैं विपक्ष वाले, इस बात के लिए पुलिस को निशाना नहीं बनाना चाहिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है फेयर और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से। सर केवल योगेंद्र जी आज आपके चैनल प्रॉमिस करवा लो दोनों जी कि ये जो है पुलिस को अपनी अपनी नहीं कहेंगे आज के बाद। राजेंद्र जी केवल बीजेपी को गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, पुलिस पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, कांग्रेस को भी। सर अभी जो मैटर है अपन उस पे बात कर रहे हैं, उस मैटर के लिए लगातार मैं कह रहा हूँ, मैं और से बात कर राजनीति कर रहा हूँ, मैं और बात कर रहा हूँ कि क्या सीबीआई से ही न्याय की उम्मीद सिविल पुलिस पे भरोसा होना चाहिए, यही बात है कि सिविल पुलिस पे भरोसा होना चाहिए, स्टेट की पुलिस पे भरोसा होना चाहिए। ऐसा ही है तो राजनीतिक दलों को असेंबली में बहस करना चाहिए कि हम आखिर सीबीआई के भरोसे ही क्यों, अगर कोई गंभीर मैटर होता है तो उसकी जांच हम यहाँ पे क्यों नहीं करा सकते हैं, अगर सिस्टम में कोई खामी है तो उसे दुरुस्त कौन करेगा, आप लोगों को इस पे विचार करना चाहिए। चलिए ठीक है एक मैटर चला गया, कोई आखिरी मुद्दा नहीं है, हो सकता है कुछ दिनों बाद में फिर कोई मामला आए उससे लिए कह दिया जाए कि सीबीआई जांच करा दीजिए, प्रदेश में बैठी सरकारें कोई भी हो देखती है कि ठीक है चलिए जाने दीजिए, कराइए सीबीआई में जांच, वहां करवा लीजिए। सीबीआई के जांचों की स्थिति यह है कि कितने एक लंबी फहरिस्त है वहां पे, कितने लोगों के रिजल्ट निकल पर उसके आगे आप, ये तो है नहीं कि जैसे अभी कहा कि अमेरिका से कोई एजेंसी को बुलवाइए सब अब तो जांच वही करेगी, सीआईए को बुलाइए वो जांच करके देंगे उनके अधिकारी, ऐसा नहीं है। आप लोगों को इस पर गुजारिश है मेरी कि विचार करना चाहिए कि अगर वास्तव में हमारे सिस्टम में ऐसी खामी है तो उसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।